अस्सलाम वालेकुम। मार्केट गिर रही है, रीज़न क्या है? अभी तक क्या न्यूज़ है, क्या सिचुएशन है कि मार्केट अगेन गिर रही है? लेकिन मार्केट में वो मूव्स नज़र नहीं आ रहे जो लोग एक्सपेक्ट करते थे, कि जिस तरह बॉटम के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस को डेटा को देखकर हमने कहा था कि आप एग्जिस्टिंग डेटा पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन स्टिल मार्केट में कुछ मूवमेंट, एक पॉजिटिव मूव नज़र नहीं आ रहा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक ट्रेड कल जब मैं ले रहा था तो मैंने नहीं ली, उसकी रीजन मैं आपको रख देता हूँ कि इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को बताना। अच्छा, न्यूज क्या है मार्केट में? मार्केट में न्यूज बहुत ज्यादा है, कौन कौन से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ? खैर, टाइम के साथ और साथ साथ मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो उस पर आ जाते हैं कि कल जब मैं ट्रेड ले रहा था, तो जैसे ही मैं ले रहा था तो मैंने क्यों किस वजह से डिसाइड किया कि अब ट्रेड लेना कुछ अच्छी बात नहीं है, तो उस चीज पे आ जाते हैं। अभी जो मार्केट जो ट्रेड करी है वो 22,150 पे है। अच्छा, अब एक मेरी जो एनालिसिस है या जो जो मैंने देख लिया मार्केट को, जो मार्केट की सिचुएशन को देख लिया, तो मुझे लग ऐसे रहा है अगर 21,700 तक मार्केट आ जाती है तो मार्केट का फिर ऊपर जाना इंतहाई ही मुश्किल होगा। 21,700 पे फिर मार्केट फर्दर क्रैश हो सकती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दूं। अभी जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो क्रैश हो रही है। एक और चीज, अगर मार्केट कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, अगर मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो और ये 2-3 दिन ये गुजार दे ऊपर नीचे होने में, फ्लक्चुएशन शो करने में, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे जा रही हो और मार्केट क्रैश हो रही हो और उसमें कोई अप ट्रेंड नजर नहीं आ रहा हो, तो मार्केट फर्दर क्रैश हो सकती है। 21,700 की जो मैंने आपको बताई, क्या इस पे आप फोकस करें? अगर 21,700 पे भी ये मार्केट नहीं रुका तो ये फर्दर और क्रैश हो सकता है। बॉटम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इसका बॉटम है, लेकिन अब जो 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 सिचुएशन है वो कुछ इतने अच्छी नहीं है, जो मार्केट की हालात है वो कुछ इतने, जो न्यूज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत न्यूज़ आ रही है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है, तो इस वजह से मार्केट फर्दर क्रैश हो रही है। स्टिल यहाँ पे, अच्छा, कल जो मैं ट्रेड ना लेने की जो वजह थी कि मैं क्यों मार्केट में इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की, मैंने कहा चलो 2-3 दिन वेट करते हैं। एक तो सैटरडे और संडे था तो इस वजह से। दूसरी मसला ये था कि यहाँ पे अगर आप इसको देख लें तो RSI का अगर ग्राफ आप देख लें तो इसमें वाजह है कि RSI की दोनों जो 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 लाइंस है या जो ग्राफ्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है, या जो जो RSI की ये वाली लाइंस है और साथ में यहाँ पे जो 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 कैंडल्स है वो अपोजिट है, वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे डिपॉजिट नहीं है, वो आप इस तरह कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे है तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, मार्केट काफी हद तक नीचे आ चुकी है, तो अगर आप RSI को भी देखें तो मार्केट काफी हद तक नीचे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने पंप लिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कैंडल्स में किसी किस्म का मार्केट का पंप नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं। तो एक जो मेन या मेजर रीजन मुझे नजर आया कि ये हो सकता है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, जो कैंडल्स थे और जो जो ग्राफ था, जो लाइंस थे, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। फर्दर न्यूज जब भी आ जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर, न्यूज तो बहुत है लेकिन स्टिल आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को साथ वो शेयर करूंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में मेरा दूसरा चैनल है जिसको मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो स्विच अकाउंट, ओके सुन। अच्छा, साथ में आप मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, मैं अक्सर इस पे ब्लॉग्स टाइप्स वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें भी वीडियोस आएंगी, वहाँ पे भी वीडियोस आएंगी, लेकिन इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।